नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने की प्रक्रिया में दिया है ये जवाब। तो दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश भर में एक तरफ जहां एम्प्लॉयज द्वारा सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने का मुद्दा व्यापक रूप से उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे ही एक मामले का निराकरण करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा है कि कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला पूर्व राज्य कार्यकारिणी सहित संगठन का होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की दखलबाजी पर इसका असर नियुक्ति प्रक्रिया में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक राज्य विश्वविद्यालय के डीन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की प्रार्थना पर विचार किया जाता है तो इसका असर कई नियुक्तियों के लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट्ट की खंडपीठ ने धारवाड़ा जिले के हनुमान मट्टी में कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में डॉक्टर निदानंद पी मंसूर डीन द्वारा दायर याचिका और अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है और बता दें कि डीन में 65 वर्ष तक सेवा में बनाए रखने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि लोक सेवाओं की सेवानिवृत्ति का निर्धारण राज्य के खजाने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसरों पर भी असर डालता है। हमें बताया गया है कि विभिन्न विश्वविद्यालय और संगठन और संबंधों कॉलेजों में हजारों कर्मचारी हैं। यदि मांगे की गई प्रार्थना को मान लिया जाता है तो सभी कर्मचारी 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए कार्यालय में बने रहेंगे और नई नियुक्तियों के लिए कोई भी अतिरिक्त खाली नहीं होगी। यह मांग वांछनीय है। दोस्तों, अदालत ने कहा है कि विश्वविद्यालय घटक कॉलेजों में शिक्षकों जैसे लोक सेवाओं को किस उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहिए, यह विशुद्ध रूप से राज्य कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में है, जो वेतन प्रीलब्धिया और टर्मिनल लाभों के लिए खर्च वहन करते हैं। इस तरह के मामले में कई वित्तीय और अन्य कारक निर्णय लेने के मैदान में प्रवेश करते हैं और अदालत में इसके हस्तक्षेप नहीं माने जा सकते। ऐसे कारकों का मूल न्यायिका रूप से प्रबंधनीय मानकों द्वारा मूल्यांकन योग्य नहीं है। वही सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय पर छोड़ दिए गए हैं। अदालत ने कहा है कि रियासत यदि हो भी तो अपीलकर्ता याचिकाकर्ता द्वारा इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे पुराने कर्मचारियों को रखना समझदारी हो या नई नियुक्तियाँ करना, यह पूर्णतः राज्य की ही कार्यकारिणी और विश्वविद्यालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा है कि एक पैनल द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष करने की सिफारिश न्यायचित नहीं है और इस अपीलकर्ता या फिर याचिकाकर्ता द्वारा इसका कोई समर्थन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।